आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस होती है यहाँ पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको मैसेज वगैरह दिखाई देगा, जो भी मैसेज करेगा यहाँ पे लाइक चैट वगैरह सुपर चैट ये सब आपको दिखाई देगा। अगर आपको स्क्रीन पे जैसे मैसेज हटाना है तो वो यहाँ पे आप हटा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं, अलग अलग फिल्टर जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला फिल्टर रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर लाइव का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कुछ सेकेंड्स बताएगा कि कितना देर से आप लाइव हैं। इधर आपको पर्सन दिखाएगा कि कितना लोग आपको यहाँ पे लाइव पे देख रहे हैं। और उसके बाद इधर लाइक्स वगैरह है, अगर लाइक वगैरह करता है सब तो यहाँ पे आपको दिखाते रहेगा कि कितना लाइक अभी हो गया है। यहाँ पे आपको थ्री डॉट मिलता है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी लाइव स्ट्रीम को जो भी आप लाइव करते हैं इसे आप शेयर वगैरह कर सकते हैं, फ्लैश लाइट इनेबल कर सकते हैं, अपनी माइक को बंद कर सकते हैं, ये सब फीचर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है लाइव को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपका लाइव खत्म हो जाए, जब आप बंद करना चाहें लाइव को, तो आपको बहुत ही आसान है। इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ये पूछेगा कि आप अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद करना चाहते हैं। करना चाहते हो YouTube के साथ कैमरा को लगाने के लिए आपके पास एक ट्राइपॉड भी होना चाहिए। आप ट्राइपॉड पर DSLR कैमरा को लगाकर इजीली यूज कर पाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है मोबाइल क्लिप होल्डर की, मोबाइल फोन को हम इस क्लिप होल्डर में, इसके अलावा आपको एक माइक्रोफोन की भी।